हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2019 के पेपर से हम क्या सीख सकते हैं, 2020 के पेपर में हमको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसके बारे में हम देखेंगे। और अबाउट 14 पॉइंट्स ऐसे हैं जो 2019 के पेपर से हम लोग सीख सकते हैं, जिन पर ध्यान देकर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है माधुरी नागले, तो वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपके आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ, अगर उनका रिप्लाई करना मैसेजेस में पॉसिबल नहीं होगा, तो वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने 2019 का एग्जाम दिया है तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके बिलो 55 मार्क्स आ रहे हैं फॉर एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में 55 से नीचे कट ऑफ जाना इन एनी केस बहुत ही कम इसके चांसेस है, तो अगर आपके बिलो 55 है तो आप 2020 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब 2020 के लिए अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी बंदे का सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए, फर्स्ट टाइम में प्री क्लियर कर ले, मेंस क्लियर कर ले और इंटरव्यू भी क्लियर कर ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है वो 2 से 3 बार में ही एग्जाम क्लियर करते हैं, तो डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना। जिनके कम मार्क्स आए हैं तो उनको ऐसा सोचना है कि हाँ, जो मेरी गलतियाँ हुई हैं वो मैं गलती नहीं करूँ और नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूँ। तो देखिए, क्या होता है कि जो MPPSC एग्जाम है उस पर हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर बेस्ड हम अपनी तैयारी रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं, और जो जो टॉपिक सजेस्ट करते हैं टॉपर्स या फिर आपको डिफरेंट कोचिंग एकेडमीज वाले या फिर ऑनलाइन जो रिसोर्सेज आपको, जो भी आपके यूट्यूब चैनल्स है वगैरह, वो आपको सजेस्ट करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि अगर सबके प्रेडिक्शन सही निकल जाते तो क्वेश्चन पेपर सेम आता, आपको बहुत ईजी होता चीज़ें सॉल्व करने में, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते और हर किसी इंसान के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है पेपर को। 2018 से कुछ चीज़ें मैंने सीखी थी वो मैं आपको बताऊंगी, 2019 से कुछ चीज़ें आपको जिनका ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग 2019 की वो 14 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। लेकिन उससे पहले एक नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आप MPGK की बुक खरीदें तो उसका लेटेस्ट एडिशन ही खरीदें, क्योंकि MPGK जो है उसमें बहुत चेंजेस आते रहते हैं और लेटेस्ट एडिशन में चीज़ें ऐड होती रहती है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेकेंड चीज़, क्योंकि एक या दो कमेंट ऐसे आए मेरे बुक रिव्यू वीडियोस पे, तो उसमें कहा कि मैं सिर्फ बुराई बताती हूँ बुक्स की। तो देखिए, बेसिकली आई एम अ राइटर, तो मुझे पता है कि बुक लिखना इज़ नॉट अ गेम, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बुक लिखने में, तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बुक लिखना ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दे और लोगों को बता दे और लोगों को बेवकूफ़ बना दे, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स जो MPGK की अवेलेबल है, मतलब आप उसमें 20-30% जो बुक है वो मिस्टेक्स से भरी हुई है, 20-30% सिर्फ मिस्टेक्स है। तो ये अगर आप आज इग्नोर करते हैं तो आपको इसकी कीमत एग्जाम में चुकानी पड़ सकती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई एम अ बुक क्रिटिक, अगर मैं बुक रिव्यू कर रही हूँ तो मैं बुक क्रिटिक हूँ, मैं आपको उसकी अच्छाइयाँ भी बताऊंगी और बुराइयाँ भी बताऊंगी। अच्छाइयाँ होगी अगर आपके काम आएगी तो वो भी मैं बताऊंगी, बुराइयाँ अगर आपको जिनसे सावधान रहना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली चीज़ हमको सीखने मिलती है कि जो बेसिक GS है वो बहुत अच्छे से हमको तैयार करना, बेसिक GS, GK जो भी है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप स्टडी IQ पे विपिन गोयल सर जो है उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उससे बहुत अच्छा आपका स्टैटिक GK कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो बेसिक है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, अगर आप बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर करते हैं तो उसके बाद, मतलब ये है कि आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कहीं से कोई क्वेश्चन बेसिक से उठा के पूछ ले तो वो आपके मार्क्स कहीं कटने की चांसेस ना हो। देन है जनरल साइंस इज नॉट सो जनरल। अब जनरल साइंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं कहूंगी मॉडरेटली डिफिकल्ट है, क्यों, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं, मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूं, तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूं तो उन क्वेश्चन को मैं इजीली सॉल्व नहीं कर सकती, तो वो जनरल साइंस से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई बायोलॉजी या साइंस स्टूडेंट नहीं है तो वो, उनको अगर उनकी
अच्छी तैयारी है तो ही वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं पहले कहती थी कि लूसेंट से कवर हो जाएगा इजीली साइंस, अब नहीं होगा, ठीक है। अब आपका सिर्फ लूसेंट से साइंस कवर नहीं होगा, इसके लिए आपको एक अलग बुक परचेस करनी होगी और उससे तैयारी करनी होगी, ठीक है। और इसके अलावा आप किस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, जो घटना चक्र है, घटना चक्र में पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है इसमें, बट फिर भी आपकी एक जनरल साइंस की बुक होनी चाहिए जिससे आप तैयारी कर रहे हैं। देन है वैसे अगर मैं देखूँ तो क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन मॉडरेटली टफ कह सकती हूँ मैं, इजी नहीं थे। इजी बायोलॉजी स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट जो भी है उनके लिए थोड़े इजी हो सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन जो है उसमें थोड़ा डेप्थ में पूछा गया था। देन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है उसमें आप क्या ध्यान दें, इस बार अगर आप ज्योग्राफी देखें तो आपने अगर करंट अफेयर तैयार करी है तो आपने तैयार कर लिया है कि कहाँ पर क्या मुद्दा चल रहा है, आपने तैयार कर लिया है। लेकिन अभी आपको क्या देखना है कि ज्योग्राफी जो है उस पर्टिकुलर रीजन की, उस पर आपको ध्यान देना है। एक कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो बहुत ऑब्वियस था। जब मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे इसका सर पैर कुछ नहीं मालूम, बट एक एक कहीं क्लिक हुआ कि ये पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर कश्मीर हो, क्योंकि कश्मीर न्यूज में रहा है। तो ये एक अंदाजे से आप क्वेश्चन के आंसर लगा सकते थे, और मतलब ये एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप तैयार कर रहे हैं किसी रीजन की करंट अफेयर तो वहां पर आपको उस रीजन की ज्योग्राफी के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एमपी की ज़्यादा पूछी गई है, और अगर हम वैसे ऑल इंडिया हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है कि किस टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जो आंदोलन है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है, तो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी कैसे तैयारी करना है हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि जो आपके बचे हुए दिन है उसमें कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट एट द पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 2019 के पेपर से हम लोग क्या सीख रहे हैं। देन है पॉलिटी। जो है पॉलिटी, उसमें दो ही चीज़ें पूछी गई, या तो इम्पॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पूछा गया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे बोला गया है कि पंचायती राज अच्छे से कवर कीजिए, जितने अमेंडमेंट्स है वो अच्छे से कवर कीजिए, म्यूनसिपैलिटीज जो है वो अच्छे से कवर कीजिए, तो आप ये अच्छे से कवर कीजिए। ये मेरे हिसाब से क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये इजी भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो वो हमको याद भी रहती है, और वो काइंड ऑफ इजी ही हो जाती है क्योंकि उसको हम लोग बार बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स में बहुत कम क्वेश्चंस और बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ऑब्वियस सा आंसर था, अगर आप उसको थोड़ा सा सोचते तो। कई बार उस क्वेश्चन को देखकर जो इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, एट द मोमेंट मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट आप उसको ध्यान समथिंग फॉरेन ट्रेड रिलेटेड, तो उसमें आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देते ना तो उस क्वेश्चन को देख के हमको ऐसा लगता है कि यार इतना ईजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इसका आंसर इतना ईजी नहीं होगा, बट हाँ उसका आंसर उतना ही ईजी था जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। देन है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को क्या करना है आपको, अगर अगर अभी तक आपने डॉक्टर गौरव गर्ग के वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, पेड वीडियोस को, तो आप कर लीजिए, क्योंकि वो जो आपके 150 रुपीज़ है ना, वो आपके फ्यूचर के सामने कुछ भी नहीं है। मंथली अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको उनके डेली वीडियोस प्लस उनके जो कंपाइल्ड वीडियोस आते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, सारे जो वीडियोस आते हैं, स्कीम्स वगैरह जो भी वीडियोस आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप डेली फॉलो करते हैं ना तो आपका स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट उनकी स्टैटिक वीडियोज भी अवेलेबल है चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर करंट अफेयर, और डेली अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको उसको देखने का क्या है, आप स्टार्टिंग में क्या करिए, अगर आप डेली वीडियो देख रहे तो थोड़ा सा ना उसकी स्पीड को आप बढ़ाकर देखिए, तो आपका टाइम भी काफी बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है एमपी करंट अफेयर। तो एमपी करंट अफेयर जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस मोमेंट पे मैं कहूंगी कि अगर आप एमपी करंट अफेयर आपको कहीं से ज्यादा बेनिफिट मिला है तो वो है अन अकेडमी स्टूडियो प्लेज, एक यूट्यूब चैनल है, उस पर शुभम गुप्ता सर जो है उनसे ज्यादा बेहतर टीचर मैंने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट उन क्योंकि वो एमपी से रिलेटेड अगर आप बात करें तो वैसे बहुत टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एमपी जीके को बहुत अच्छे से कवर किया, एमपी जीके नहीं इनफैक्ट उन्होंने एक्ट्स कवर किए हैं और एमपी का करंट अफेयर, तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से कवर की, कॉम्प्रहेंसिवली कवर की है, लेकिन उनके जो वीडियोज है उनसे करंट अफेयर भी पूछे गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए।
और शुभम गुप्ता सर की वीडियोस बिल्कुल फॉलो कीजिए एमपी करंट अफेयर्स के लिए, और स्पोर्ट्स करंट अवार्ड एंड ऑनर्स जितने भी है वो सारे उन्होंने अच्छे से कवर किए। ऑल्दो देयर आर सम मिस्टेक्स, बट फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर करके या चीज़ें, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक है, तो वो आपको मिल जाता है वहाँ पर, तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके वीडियोस देखिए, बहुत बेनिफिशियल है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स और एमपी जीके या एमपी करंट अफेयर और एक्ट्स, तीन चीज़ें आपको देखनी ही है उनके वीडियोस से। देन है स्पोर्ट्स का बहुत सारा पोर्शन पूछा गया, स्पेशली एमपी के स्पोर्ट्स, तो वो मेरे हिसाब से इजी था, वो पोर्शन डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हम थ्रू आउट ईयर इन चीज़ों को डील करते आए हैं कि हाँ वो हु इज सोनू गोलकर एंड एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, या ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो बहुत इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको बेसिक स्पोर्ट्स जो करंट अफेयर है या जीके है, स्टैटिक भी है, तो उस पे ध्यान देना है एमपी के। देन है कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पोर्शन में ने मुझे सबसे ज़्यादा शॉक किया। अगर मैं बात करूँ एक जनरल स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन किया है, वो इजीली सॉल्व कर सकता था पुराने क्वेश्चन पेपर जो आते थे उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन, लेकिन अगर अभी आप पढ़कर नहीं जाते हैं, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर आप पढ़कर नहीं जाते हैं कंप्यूटर का पोर्शन, तो आपके अच्छे क्वेश्चन, आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस नहीं हैं। और इसीलिए आपको कंप्यूटर और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और क्योंकि अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नई मिलेगी, लेकिन 2020 की तैयारी के लिए आप ये चीज़ें जो 2019 के पेपर से आप सीख सकते हैं उन पर ध्यान देना है। फिर है एमपी के गवर्नर, सीएम और चीफ सेक्रेटरी जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं 2 सालों से पिछले, तो इन पर भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद है स्कीम्स जो है उनसे रिलेटेड इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट फिर भी आपको तैयारी डेप्थ में ही करनी है। स्कीम जो है कब स्टार्ट हुई है, कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर कौन उनके टारगेट जो है, वो कौन सा ग्रुप उनका टारगेट है। फिर इसके बाद एमपी जीके जो है हिस्ट्री, जो आपकी जितनी भी बुक्स अवेलेबल है हिस्ट्री के लिए एमपी जीके की, मतलब एमपी जीके में सारा कंप्लीट होता है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ये पेपर देख के आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके लिए आप